Gotta let go! I'll catch you, I promise! No! Revenge. हेलो गाइज, वेलकम टू द एजीबीडी न्यूज़। तो गाइज आज हम बात करेंगे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के न्यू कैरेक्टर के बारे में, पीटर डिंकलन के, कि वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में किसका रोल कर रहे हैं, और देन आज हम बात करेंगे कुछ मूवी के अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिस वीडियो। तो सबसे पहले हमारे बास का न्यू लुक लॉन्च हुआ है जो कि काफी कमाल का लग रहा है, और उन्होंने अपने नए हीट ब्लास्ट से एक बाइक बिल्कुल तबाह कर चुकी है। तो ये एक्शन सीन काफी कमाल का है जो कि एंड इन द बास मूवी में हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद थैनोस का न्यू पोस्टर लॉन्च हुआ है जो कि फैन मेड है, जो कि लोगन से बिल्कुल मिलता जुलता है। जी हाँ, और उसके बाद एवेंजर मूवी के स्क्रिप्ट राइटर जैक ने ये बोला है कि वो मार्वल फेज 4 पर इन एडवांस काम कर रहे हैं और अभी और भी ज्यादा प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद वंडर वुमन 2 समर से स्टार्ट होगी, यानी कि इसका प्रोडक्शन डेट भी आ चुकी है, इस पे काम चालू हो जाएगा। डेवेंडा का ये कहना था कैप्टन मार्वल मूवी में कि उन्हें स्ट्रॉन्ग का रोल करना था, ना कि कोई अदर कैरेक्टर का। तो ये एक रूमर है, अभी कंफर्म कमीशन कोई नहीं है। उसके बाद कल रात में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की काफी सारी पिक इमेज रिलीज हुई है जो कि फुल HD में है, और इसमें काफी डिटेलिंग वर्क नजर आता है। तो ये है एक मैगजीन की, जो कि एक अपकमिंग मैगजीन आने वाली है जिसमें कि ये सारी फोटो और आपको ये सारे पिक्स उस मैगजीन में मिल जाएंगे। तो इसमें काफी डिटेलिंग वर्क है, जैसे कि थैनोस का गोल्डन बैटन आर्मर, उसके बाद हमारे कैप्टन कमर पे हाथ रख के खड़े हुए हैं। तो ये सीन सब मूवीज में है और ये आपको एक मैगजीन में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पीटर यानी थॉर को देखते हुए, जी हाँ, सामने थॉर एक उनके शीशे पे बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं क्या हो रहा है। उसके बाद हमारा ग्रुट, जिसे कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो अपना गेम खेलने में मस्त है। तो ये पिक काफी कमाल के हैं। उसके बाद बीजन, जो कि देख रहा है लड़ते हुए हमारी वेंडा को, किससे, कर्वस ग्लेब से। उसके बाद ये है वकांडा का सीन जिसमें कि वेंडा हमारी देख रही है बीजन को रोते हुए कि अब चल में होगा क्या अब। उसके बाद ये है टाइटन प्लेनेट का, जिसमें कि हमारी मेंटिस देख रही है थैनोस को और हमारे पीटर को। उसके बाद ये सीन तो काफी कमाल का है जिसमें कि हमारे टोनी कमाल के लग रहे हैं बहुत ही ज्यादा। उसके बाद आपको ये सीन तो याद होगा ट्रेलर का, जिसमें कि ब्लैक द्वार के हाथ में लग रहे हैं हथौड़े, तो यही हथौड़ा वो हमारे आयरन मैन को मारता है। तो ये पिक कल ही रिलीज हुई है, तो ये आपको मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। उसके बाद हमारा पीटर कुल का एक दमदार एक्शन सीन जो कि ऊपर उल्टे होते हुए, तो ये भी काफी कमाल का लग रहा है। और देन उसके बाद ये है वो रनिंग बी, जो कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की मैगजीन है और ये शायद आगे लॉन्च हो जाएगी। उसके बाद एम्पायर इन्फिनिटी गॉटलैंड का एक प्रोमो आर्ट लॉन्च कर रखा है जो कि काफी कमाल का लग रहा है। उसके बाद थॉर का आपको ये वाला सीन तो याद होगा, जिसमें कि CGI द्वारा थॉर का हथौड़ा रिमूव कर दिया था और बगल में काफी बड़ी बड़ी मशीनें थी। तो एक्चुअल में ये है निडा, जो कि एक स्पेस में एक काफी बड़ी फैक्ट्री बनी हुई है जिसमें कि वो बौने रहते हैं, जो कि थॉर का हथौड़ा बनाया है। हाँ, अब थॉर का हथौड़ा बनाने के लिए यही लोग बनाएंगे थॉर का न्यू वेपन। तो देखते हैं कि ये लोग कैसे दिखते हैं, और मे बी मोस्ट जो लग रहा है कि इसका जो रोल करेंगे पीटर डिंकलन करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर होंगे, जिसका नाम है पिद्दी ट्रॉल। तो देखते हैं कि ये जगह हमें MCU VFX से कैसी दिखाएगा या CGI से कैसी दिखाएगा, और पीटर डिंकलन का रोल इसमें किस तरीके से होगा। और फाइनली उनकी एक इमेज जो लीक हुई थी पहले, जिसमें कि वो अपनी हेयर कटिंग करवा रहे हैं सिर्फ पिद्दी ट्रॉल के कैरेक्टर के लिए। तो देखते हैं गाइस अब ये मूवी हमें कैसी दिखेगी। और गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या दोस्त पे आयरन स्पाइडरमैन के शूट के हाथ मारो या पैर मारो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।